आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला संभल के ब्लॉक संभल के गांव अतौरा पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 45 किलोमीटर तो ब्लॉक से 25 किलोमीटर है। 1800 वोटों वाले इस गांव की बागडोर श्रीमती सावित्री देवी के हाथों में है। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गांव की कमान इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गांव में अच्छा विकास कराया है। यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान सावित्री देवी और सचिव आकाश बाबू के द्वारा स्कूलों सहित सड़कों का भी काफी विकास करवाया गया है। 4 वर्षों में गांव को किस तरह से सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान पुत्र की जबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक संभल के अतौरा ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधान पुत्र हैं आप यहाँ पर। कार्यकाल को प्रधान जी के 4 साल पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य अब तक आपने करवा लिए हैं? जल रास्ते करा रखे हैं, आवास बना रखे हैं, सारे रास्ते पक्के करा दिए हैं जी, और 6 आवास बनवा दिए हैं जी, और बाकी 53 और डाल रखे हैं नए जी। सुजी में 53 परिवार अभी यहाँ ऐसे हैं जिन्हें और शौचालय ओडीएफ कर दिए हैं। ओडीएफ हो गई ग्राम पंचायत? हाँ, पूरे ग्राम पंचायत ओडीएफ हो गई शौचालय वाले में, और जो भी आगे काम है वो आगे कराते रहेंगे ईमानदारी से जी। जैसे कि केंद्र सरकार हमारी जो योजनाएं चला रही है गरीबों के लिए, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, क्या इसका लाभ यहाँ सभी को मिला है? सभी को मिला। किसानों के खाते में सम्मान निधि का पैसा आ रहा है? आ रहा है, 70% पैसा आ गया, 70% लोगों को यहाँ मिला के रह गए जी। जिन्होंने आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड वगैरह बने हैं यहाँ? राशन कार्ड बने हैं, कुछ रह गए जी। 20% सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाई हैं आपने? लगवाई है हमने, लगवाई। डस्टबिन रखवाए हैं? डस्टबिन हमने नहीं लगाए। क्या सामूहिक विवाह हुए हैं यहाँ ग्राम पंचायत में? हाँ हुए हैं जी। स्कूल में कायाकल्प के अंतर्गत क्या क्या काम यहाँ पर करवाया गया? स्कूल में टाइल्स लगा दी, शौचालय के काम भी कराए हैं, गेट करवा दिए। 3 स्कूल है हमारे ग्राम पंचायत में जी। तीनों स्कूल में दोनों करा दिए, एक में काम बचा जी। वो अभी जो कार्यकाल बाकी बचा हुआ है आपका, इसमें आप पूरा करवा देंगे? हाँ, उस पे जो कुछ ग्राम प्रशासन उसके स्कूल के देखने बची है जी, तो उसको खाली करा के उसमें काम कराएंगे जी। स्कूल में मिड डे मील वगैरह की जो स्थिति है वो आप समय समय पर जाकर देखते हैं, उसको समय देते हैं स्कूल के लिए? क्या बना है क्या ना, बच्चे सब पूछता हूँ, सब वहाँ पर सही है, हर उसे में जाकर मैं खुद देखता हूँ जी। मतलब समय देते हैं आप? हाँ, स्कूल के लिए समय देता हूँ, पूछता हूँ क्या बनाया क्या नहीं बनाया, कुछ बच्चों ने खाया नहीं खाया, कितना खिलाया, तो बच्चे से पूछता हूँ। सरकारी बिल्डिंग में यहाँ स्कूल के अलावा आपकी ग्राम पंचायत में जैसे 12 घर, पंचायत भवन, क्या ये बने हुए हैं? पंचायत घर है लेकिन बड़ा घर नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र है? आंगनबाड़ी केंद्र भी बनवाया जी। शमशान घाट, कब्रिस्तान वगैरह ये बने हुए हैं? शमशान घाट हमारे गांव का आए थे लेकिन अब उसने बनने दिया, तो अकबर में बनवा दिया हमने। अच्छा, ग्राम पंचायत के जी, ग्राम निधि, प्रधान निधि से आपने बनवाया जी। अब अपने गांव को और सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? हमने जैसे पड़ोस गाँव बनवा दी, अपने गाँव ही बनवाना चाहते हैं शमशान घाट, और जो भी है हमसे सेवा हो सकेगी गांव के लिए और भी करेंगे जी। जैसे कि किस तरह की समस्या यहां आपके गांव में जो है सामने आती है, जिसके लिए आप चाहेंगे कि सरकार खास तौर से कोई मदद दे या ध्यान दे, तो आप इस समस्या को यहां दूर करना चाहेंगे सरकार की मदद से? सरकार की मदद से तो जो है अब बिजली, लाइट और पानी किसान को चाहिए और जी काफी हद तक गांव में जो है विकास काम हो चुका है आपके कार्यकाल में, कम से कम 80% काम कराया। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है यहाँ? साफ सफाई बढ़िया है, सफाई कर्मी सब आते हैं, सफाई कर्मचारी हैं जी, सब आते हैं नियमित, आते हैं 12 बजे तक काम करते हैं लोग जी। और मैं जाकर देखता हूँ काम जी, कितना करा कितना नहीं करा। जैसे कि आप एक युवा हैं, प्रधान पुत्र हैं, पंचायत का कामकाज में आप काफी ध्यान देते हैं और आपकी काफी सहयोग इसमें रहता है। यहाँ फैली हुई है सरकार, हालांकि काफी ध्यान दे रही है, दवाइयाँ छिड़कना ये वो, जिस तरह की बीमारियाँ यहाँ खतरनाक फैली हुई है हमारे देश में, इसको लेकर के आपने अपने स्तर पर क्या कोई सहयोग यहाँ पर आपने दिया है? कहा है कुछ जो लोग, भाई अपने मोड़े पे सफाई रखो, रास्ते सफा रखो, पानी मत भरने दो, और मोड़े अपने जैसे दवाइयाँ वगैरह और मशीन जो दवाई से रखने की सरकार सुविधा ये दे रही है, क्या आपकी ग्राम पंचायत में इसका उपयोग किया है? उपयोग किया गया है। मच्छर जी, आपने यहाँ पर करा है अपने गाँव में दवाई वगैरह?
जैसे कीड़े वोड़े में कोई बीमारी ना फैले। अब बाकी अपने आप कोई जान से सुरक्षा अपना बचाओ। हाँ लेकिन फिर भी कराइए, दो बार करा दी हमने बस। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान पुत्र से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इन 4 सालों में इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है, जैसे कि सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, आवास भी कुछ लोगों को यहाँ मिले हैं, शौचालय से भी गांव ये ODF हो चुका है, स्कूल में कायाकल्प के अंतर्गत काफी सौंदर्यकरण यहाँ पर करवाया गया है, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं यहाँ बाकी है, जैसे कि बारात घर को लेकर प्रधान पुत्र यहाँ मांग रखते हैं। इसके साथ ही लगभग 50-55 परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है। अशरफ अली के साथ मनाजरीन, टुडे 24।